फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और आप लोग की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पूजा 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 ख़त्म होते ना होते दिवाली की साफ सफाई शुरू। तो आज काम तो बहुत है, और आज मेरे छोटे बेटे का रिज़ल्ट है, तो जा रही हूँ उसी का रिज़ल्ट लाने के लिए। पता नहीं रिज़ल्ट, वैसे तो हमको पहले ही उसकी मैम बता दी है कि वो इस बार का एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, बट आज रिज़ल्ट है, जाके देखे क्या नंबर कैसा आया है नहीं आया है। फिर आके जितना तक पॉसिबल हो पाएगा घर का साफ़ सफाई भी करेंगे। बहुत दिन से कर रहे हैं, क्योंकि अब तो दीपावली सामने आ गई है, अब तो ज़्यादा टाइम है नहीं। और मेरे घर में पानी का भी समस्या है, जिसके वजह से और भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं साफ़ सफाई में तो पानी ही ज़रूरत लगता है, और मेरे टाइमकल का जो पानी है वो बहुत कम आ रहा है। देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तो ज़रूर आप लोग को पता चल जाएगा कि मैं क्या की नहीं की। और हाँ, आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए, अभी मैं चलती हूँ अपने बेटे का स्कूल, और क्या मार्क्स आया है क्या नहीं आया वो आप लोग को मैं ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए, अब मैं जाती हूँ बेटा का रिज़ल्ट देखने के लिए। मन में तो बहुत डर लग रहा है कि पता नहीं, कहता ना बच्चे लोग का एग्ज़ाम होता है लेकिन सारा टेंशन माँ लोग के ऊपर होता है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। वैसे तो मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी मिस मुझे पहले ही बता दी थी। और ये देखिए, मैं गाड़ी से लेके स्कूल आ गई, तो यही है मेरा बेटा का स्कूल। आके यहाँ पे अटेंडेंस के अदरवाइज नहीं, मिस बुला रही थी, जो जैसे आ रहा था वैसे बुलाया जा रहा था। तो मेरे पहले जो आया था वो पहले गया, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और मेरा बेटा का एक फ्रेंड बैठा हुआ था, तो वो उसी के साथ थोड़ा गप कर रहा था। बट इतना डर लग रहा था ना कि क्या ही बताया आप लोग को। जब तक रिज़ल्ट नहीं देखी तब तक मेरा मन को सुकून नहीं मिला कि कब रिज़ल्ट देखूँगी और कब मन को सुकून मिलेगा। तो मैं स्कूल से आ गई हूँ, और रिज़ल्ट का तो मत ही पूछिए, इतना ही ख़राब हुआ है। ये रहा, बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत सारा मैं इसको डी मिला है, और डी का मतलब तो आप लोग जानते हैं कि फेल। क्या बोले कुछ समझ में नहीं, मतलब पढ़ाया हुआ चीज़ जो हम दिन रात करके, मतलब दोपहर बोलिए सुबह बोलिए, उसको हर वक्त पढ़ाए हैं, वही चीज़ वो जाके वहाँ पे जो मन में आया वो लिख के चलाया, मतलब लिख देने से हुआ, सही हो या गलत हो उसको, मतलब इतना हम पढ़ाए किस लिए जो हमको खुद समझ में नहीं आ रहा। उसको तो हम बोल दिए हैं कि ये तो फर्स्ट था बोल के हम कुछ नहीं बोले, हम नेक्स्ट अगर वैसा किया तो हम उसको बोर्डिंग में भेज देंगे, क्योंकि बोर्डिंग का हम लोग को पता चल गया है, एक तो बोर्डिंग स्कूल है बच्चा लोग का, उसी में भेज देंगे, और घर में रखने का जरूरत है, क्या करेंगे बोलिए। इन लोग तो मतलब पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, पढ़ेगा नहीं, जोर ज़बरदस्ती पढ़ाओ, ऊपर से जो चीज़ पढ़ाते हैं वो चीज़ जाके भूल भाल लिख के चला आता है, तो हम क्या करेंगे घर में रख के। आप ही लोग बताइए, सोच लिए हैं कि अब अगर फाइनल में नहीं अच्छे से किया तो उसका पूरा कन्फर्म है कि बोर्डिंग स्कूल जाएगा। तो चलिए, रिज़ल्ट देख के तो मूड बहुत ख़राब हो गया है, तो भी घर में तो पूजा है, घर का साफ़ सफाई करना ज़रूरी है, तो मैं चलती हूँ साफ़ सफाई करने के लिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ, सबसे पहले सोची कि साफ़ सफाई करने के पहले लंच बना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ही नहीं शायद सबके साथ ही होता होगा, साफ़ सफाई करने के चक्कर में अभी जाओ हम आ रहे हैं। हाँ हाँ, तो ट्यूशन क्यों नहीं रहेगा? इसका रेगुलर का यही है, पढ़ने नहीं जाएगा, पढ़ने नहीं बैठेगा, तो आप ही लोग बताइए कहाँ से इसका रिजल्ट अच्छा होगा। तो साफ सफाई करने के टाइम ऐसा होता है कि ये एक चीज़ साफ कर रहे तो ये भी कर लेते, ये करने के चक्कर में वो कर लेते, ऐसे करते करते बहुत लेट हो जाता है, और लंच बनाने का टाइम नहीं होता है, तो इसलिए सिंपल सा ही लंच बना रहे हैं। पहले लंच बना लेंगे, फिर एक ही बार में साफ़ सफाई में लग जाएंगे, फिर साफ़ सफाई करने के बाद एक ही बार में फ्रेश हो लेंगे। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो ये रहा, कुकर में दाल हो रहा है, और यहाँ पे
फूल गोभी आलू फ्राई मतलब भाजा बना रहे हैं। फूल गोभी आलू भाजा। और ये देखिए आज हम मार्केट में कच्चा आम मिला था तो वही लेके आई थी और इसका चटनी बनाएंगे। आप लोग के उधर अभी भी मार्केट में कच्चा आम मिल रहा है या नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे भी हम नहीं देखे थे, आज देखे तो इसलिए मैं लेके आई। और मेरे घर में आम का चटनी बहुत सबको बहुत पसंद करता है, खास करके मेरा बड़ा बेटा। तो बस यही सिंपल सा लंच बना रहे हैं, दाल भात और फूलगोभी आलू फ्राई और चटनी बना देंगे उसके बाद। और बाद बाकी जो भी कुछ बनाना रहेगा डिनर में बनाएंगे, क्योंकि अभी मेरा काम है तो इसीलिए झटपट से बन जाने वाला खाना मैं बना ले रही हूँ, उसके बाद साफ सफाई में लग जाएंगे। चलिए आप लोग को एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मेरा छोटा बेटा पढ़ाई करने के नाम पे वो क्या करता है। ये देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा है, देख देख के लिख रहा है ना, क्वेश्चन लिखो ना है? अच्छा ठीक है लिखो। ये देखिए वो अभी कंप्यूटर कर रहा है। तो आप लोगों को दिखाया है कि पढ़ने के टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो लेट हो जाएगा काम, मतलब साफ सफाई करने में। तो खाना कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं चली पूरे घर को हार्पिक से चमकाने के लिए। ऑलरेडी मेरा आधा घर हार्पिक से मैं चमका दी हूँ और थोड़ा बहुत बाकी है तो उसी को मैं अब कम्प्लीट कर रही हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से कौन कौन हार्पिक से घर को क्लीन करते हैं। एक बार करके देखिएगा, बहुत जल्दी अच्छा से क्लीन हो जाता है। ये मत समझिएगा कि मैं बाथरूम वाला यूज़ करती हूँ, मैं पूरा न्यू ला के घर में यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि सर्फ पानी से करने से ना मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और साफ भी अच्छा से नहीं होता है। तो जब से मैं हार्पिक यूज़ कर रही हूँ तब से मेरा घर इतना चमकता है कि क्या ही बताएं। आप लोग एक बार यूज़ करके बोलिएगा तब देखिएगा कि कितना अच्छा होता है। साफ़ करने के बाद ये रहा कुछ कंटेनर, जो कि मैं ये वाला कंटेनर न्यू लेके आई हूँ, बट इसमें सामान रखने के पहले इसको मैं अच्छा से क्लीन कर लूँगी। और इसके पहले वाला भी मेरा ऐसा ही था कंटेनर, उसको मैं रिजेक्ट मतलब हटा दे रही हूँ, उसका ढक्कन पूरा फट गया है ना, तो उसमें हवा ढुक जाता है और जो भी सामान मैं रखती हूँ वो नरम हो जाता है। तो ये वाला मैं फ्लिपकार्ट से परचेज़ की हूँ, बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइट है। फाइनली मेरा खाना हो गया है, लंच कंप्लीट। अब रेस्ट सोची कि थोड़ा देर रेस्ट करूँगी, लेकिन रेस्ट करने का टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड आए हैं और बोल रहे चलो आज दीपावली का जो भी मार्केट करना है कर लो, तो वही मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। चलिए फटाक से मैं रेडी हो लेती हूँ, नहीं तो अभी गए बेटा को छोड़ने के लिए ट्यूशन, आके बोलेंगे अभी तक तुम रेडी नहीं हुई हो। चलिए जल्दी से रेडी हो लेते हैं। खा के तो कहीं जाने का इच्छा नहीं करता है, लेकिन क्या करें, अब टाइम भी नहीं है कि बोलेंगे कल परसों जाएंगे, तो चलिए आज ही करके आते हैं पूजा का जो भी कुछ लेना है सामान लेके आती हूँ। क्योंकि आज कर लूँगी तो दो दिन हाथ में टाइम रहेगा, तो अगर जो चीज़ जो सामान नहीं लूँगी वो फिर बाद में मंगा पाऊँगी, नहीं तो अगर एक दिन दिन जाएंगे तो नहीं होता है। चलिए ले आया कि अच्छा ठीक है। तो मैं चली अब अपने हस्बैंड जी के साथ दीपावली का मार्केट करने। तीन दिन से उनको बोल बोल के थक गई, लास्ट में आज उनको टाइम मिला है दीपावली का मार्केट करने के लिए। और ये देखिए इतना धूप में भी बारिश हो रहा है, कोई कह सकता है कि बारिश होगा, लग ही नहीं रहा है। मैं खुद पहले शॉक्ड रह गई कि ये कौन सा बारिश हो रहा है। देखिए आपका चेहरा थोड़ा देखिए, साड़ी लग गई दीदी ना, एक फोटो उठाते हैं। बाजार से आने के बाद हम वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि मेरा छोटा बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ये रही अभी ठीक है, अभी वो थोड़ा खेल रहा है, अपना बैग गुछा रहा है, उसके लिए एक बैग लेके आए हैं और बर्तन भी रखा हुआ था, बर्तन धोना हो गया, कपड़ा गुछाना हो गया, घर का जो भी थोड़ा बहुत काम था, क्योंकि
मैं कुछ भी बगैर किए ही चली गई थी, सिर्फ खाना खाई और बच्चे लोग को खाना दे के चली गई थी। चलिए आज 14 मोमबत्ती जलाना है तो अभी तक मैं नहीं जलाई हूँ। बहुत दिन सोच रहे होंगे कि इतना लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी बोले कि सबका घर में लेट से ही जलता है तो तुम भी लेट से जला। तो इसीलिए तो मैं अपना बेटा का वेट कर रही थी, पढ़ने गया था, आ गया है। तो चलिए हम लोग मोमबत्ती जला लेते हैं। मोमबत्ती छुलो कौन सा बैग में है, शायद वो वाला ग्रीन वाला बैग में, देखो। चलिए मोमबत्ती जलाते हैं, चारों तरफ उजाला ही उजाला। और आप लोग को दिखाते हैं मेरे बाहर से भी हम लोग का लाइट का डेकोरेट, उसमें है तो मोमबत्ती, देखो ये रेड वाला, एक जला लो और बाहर ही तो 14 हो जाएगा। चलो तो चलिए आप लोग भी देखिएगा मैं बाहर कैसे जलाती हूँ। दिए थे फैक्टर होकर जा ली थे, बाकी सब रिधौर एकता रिधौर लाइक तू भाई, वहां से स्टार्ट करो, झाड़ू तो अंदर कर दो, झाड़ू अंदर करो। साइड साइड से एकदम चलाओ। तो देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं बैक साइड। ये देखिए मेरा घर पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरा लाइट ही लाइट है। मेरे हस्बैंड पूरा में लाइट लगा दिए हैं, पूरा चमक रहा है, और भी लगाएंगे अब रूम के अंदर लगाएंगे। क्या हुआ, सब जगह मिला के लगाओ बेटा, एक ही जगह लगाने से नहीं होगा। चलो लगा लगा दिया तो, अरे ये खाने है वहाँ अब नहीं लगेगा, अब यहाँ इधर लगेगा, इधर लेकर कैसे लगाऊंगा। देखिए मेरा दोनों बेटा मोमबत्ती लगा रहा है, ज्यादा नहीं, जितना सारा निकाले है ना वही सब में उतना सा। यहाँ नहीं, यहाँ पेड़ है, उधर में जाके दे। लगा तू लगा। ये है हम मेरा घर का बैक साइड, आज आप लोगों को मैं बैक साइड दिखा दे रही हूँ। ये रहा, अंधेरा लग रहा होगा, कुछ तो दिख नहीं रहा होगा, फिर भी दिखा दे रही हूँ। थोड़ा दूर में और थोड़ा दूर में दो। अच्छा तुलसी मंदिर में तुम लगा देना एक। लगेगा, चलो हो गया। सच्चा होता तो देख लिए हम लोग चारों तरफ पूरा मोमबत्ती से डेकोरेट कर दिए। अब चलिए घर में रहे वो कल लगेगा, आज 14 ही जलाया जाता है। आज हाँ हम तो गुने तो 14 था। बहुत थक चुकी हूँ, अभी खाना भी बनाना है, डिनर रात का जो है। सोची थी कि रील्स बनाऊंगी पर इतना ही थकी हुई हूँ तो और अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कल बनाऊंगी, कल पूजा होगा वो भी सोच के रखी हूँ, बट लगता नहीं है कि कल भी बना पाऊंगी। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दीपावली का ब्लॉग तो दीपावली में ही दिखाएंगे। तो अगर ये मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, दीपावली का ब्लॉग में, पूजा वाला ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।